सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग रोज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन डे 35। इस क्लास से सभी आगामी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपकी जीके जीएस की तैयारी बेहतर है तो आपका फर्स्ट डिविजन होगा और आज की क्लास में आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। परमाणु खनिज विभाग स्थित है कहां पर? है हैदराबाद। हैदराबाद से क्वेश्चन और बनता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है? हैदराबाद है मूसी नदी किनारे। किस नदी किनारे? मूसी नदी किनारे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की राजधानी है बैरूत और लेबनान की मुद्रा है पाउंड। क्योंकि राजधानी और मुद्रा से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है इसलिए यह टॉपिक कवर करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? मनाया जाता है 5 जून को। क्वेश्चन नंबर फोर, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है क्या है और कहां पर स्थित है? इंदिरा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? शक्ति स्थल। याद कैसे करोगे? इंदिरा गांधी क्या है बच्चों? नारी, और नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी शक्ति ऐसे याद करना, नारी शक्ति जिंदाबाद। कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। एक क्वेश्चन आता है, ज्ञानी जेल सिंह की जो समाधि स्थल है उसको क्या कहते हैं? एकता स्थल। कैसे याद करोगे इसको? ज्ञानी होना, जो ज्ञानी या जेल में जो कैदी होते हैं उनके बीच क्या होती है? एकता होती है। ऐसे याद करने, ज्ञानी में एकता होती है, एकता स्थल। एक क्वेश्चन आते हैं, महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? महात्मा गांधी का क्या है? राजघाट। याद कैसे करोगे? महात्मा गांधी, जिसके पास गांधी है ना, वो क्या करते हैं बच्चों? वो राज करते हैं। ऐसे याद कर सकते हो आप इनको। क्वेश्चन नंबर फाइव, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। याद कैसे करोगे? एक एक करके जनसंख्या बढ़ रही है। एक बच्चा पैदा हुआ, फिर एक बच्चा और पैदा हुआ, ऐसा करके जनसंख्या बढ़ रही है। इसका मतलब एक बोले तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इजराइल के संसद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निसेट कहा जाता है जी। और इजराइल की जो राजधानी है नाम क्या है? जेरूसलम। क्वेश्चन नंबर सेवन, बांग्लादेश की संसद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जातीय संसद। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। क्वेश्चन नंबर आठ, हॉकी का जादूगर कहा जाता है, किसे कहा जाता है हॉकी का जादूगर? मेजर ध्यानचंद को। क्वेश्चन नंबर नाइन, दीन बंधु कहा जाता है। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो है आपका दीन बंधु, एक है आपका देश बंधु। इनको मैं आज अच्छे से ट्रिक से कवर कराता हूं आपको। देश बंधु लिख देता हूं मैं, पूरा ट्रिक बेहतरीन बताने वाला हूं इसकी मैं आपको। देश बंधु देखिएगा, दीन बंधु है आपका C.F. Andrews और देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। देखो C.F. Andrews की लाइट होती है, यदि उसको दिन में जला देते हैं ना, यदि उसको जला देते हैं तो अंधेरे की जगह दिन निकल जाता है। CFL की लाइट को जला देते हैं तो दिन निकल जाता है, तो इसका मतलब दीन बंधु किसे कहा जाता है? C.F. Andrews को कहा जाता है। और देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। अपने देश के लिए हम किसी को भी चित कर सकते हैं, अपने देश के लिए हम किसी को भी क्या कर सकते हैं? हरा सकते हैं या चित कर सकते हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पाकिस्तान एवं फ्रांस की संसद को कहा जाता है? नेशनल असेंबली कहा जाता है। अब याद कैसे करोगे? पाकिस्तान में जाकर ना फंस जाओगे आप, बोले ना जी ना, एन ए बोले तो ना, ना बोले तो एन से नेशनल, ए से असेंबली। अब बात करें पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? रुपया है। और फ्रांस की मुद्रा क्या है? फ्रैंक है। क्वेश्चन नंबर 11, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है विजय घाट। याद कैसे करोगे? बहादुर लोगों की क्या होती है? विजय होती है। नारी का क्या बताया था मैंने आपको? इंदिरा गांधी। नारी शक्ति जिंदाबाद, शक्ति स्थल। गांधी जी का समाधि स्थल क्या है? गांधी का क्या चल रहा है? राज बोले तो राजघाट। ज्ञानी जेल सिंह, जेल में क्या थी? एकता स्थल, ज्ञानी जेल सिंह। अब बात करें लाल बहादुर शास्त्री की, बहादुर की क्या होती है बच्चों? विजय होती है। अर अवस्थित कहां है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है कब? मनाया जाता है 8 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है कब? मनाया जाता है 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 14, गायचो जनजाति है कहां की है? उरुग्वे की है। क्वेश्चन नंबर 15, अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है व्हाइट हाउस, कहां पर है? वाशिंगटन डीसी।
क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नानावटी आयोग संबंधित है किससे? गोधरा कांड से। क्वेश्चन नंबर 17 इब्राहिम आयोग संबंधित है बाबरी मस्जिद से। क्वेश्चन नंबर 18 जापान का राष्ट्रीय पशु है क्या है जी? आईबीस है। जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है? आईबीस है। जापान में जो आपके मेन चार शहर है उनके नाम आपको पता होना चाहिए, कौन सा शहर किस द्वीप पर है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी मैं आपको कवर करा दूंगा आगामी स्लाइड में या नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 19 अंतारा न्यूज एजेंसी है कहां की है? इंडोनेशिया की। क्वेश्चन नंबर 20 बंगाल का आतंक कहा जाता है? जलकुंभी। किसे कहा जाता है? आइस्थिन के पौधे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 विश्व को विभाजित किया गया है 24 टाइम जोनों में, कितने टाइम जोन है विश्व में पूरे? 24 टाइम जोन है, हमारे भारत में एक ही टाइम जोन है। क्वेश्चन नंबर 22 सबसे ज्यादा समय जोन किस देश के है? रूस में है जी सबसे ज्यादा टाइम जोन, कितने हैं? 11। क्वेश्चन नंबर 23 भारत में सबसे अंत में आने वाली प्रजाति है कौन है? नार्डिक। क्वेश्चन नंबर 24 कोचीन का जुड़वा नगर कहा जाता है? एर्नाकुलम को। क्वेश्चन नंबर 25 हैदराबाद और सिकंदरा, एक क्वेश्चन यहां से बनता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को भी जुड़वा शहर कहा जाता है, ऐसे ही जैसे कि कोचीन का जुड़वा शहर किया है एर्नाकुलम। क्वेश्चन नंबर 25 डेल्टा का नामकरण किया था, किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 उकाई परियोजना स्थित है किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। क्वेश्चन नंबर 27 शहीद दिवस एवं कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 3 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 28 राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 29 जो फिलहाल लेटेस्ट 2024 में एग्जाम का पैटर्न चल रहा है बच्चों, एक क्वेश्चन दिवस का लगभग आता ही आता है, इसलिए आपको मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस कवर करने जरूरी है। यदि आपके दिवस याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है 12 के 12 महीनों के मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस ट्रिक के साथ, शॉर्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर जाकर क्लिक करके देखिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 29 रूप सिंह स्टेडियम स्थित है कहां है? ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 30 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान स्थित है कहां पर है? अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 31 आयरलैंड की राजधानी है डबलिस, आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिस। और आयरलैंड की मुद्रा क्या है? पाउंड। क्वेश्चन नंबर 34 मलेशिया की राजधानी क्या है? क्वालालंपुर। और मलेशिया की मुद्रा क्या है? गिरगिट। क्वेश्चन नंबर 33 थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, कांचीपुरम का मंदिर स्थित है कहां पर है? तमिलनाडु, चेन्नई में कांचीपुरम का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 निशांत बाग तथा शालीमार बाग स्थित है कहां पर है? आपके श्रीनगर में है। क्वेश्चन नंबर 35 अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी, कब की थी? 1492 में की थी। भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी और कालीकट में आए थे ये सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 36 उत्तरी ध्रुव की खोज की थी किसने की थी? रॉबर्ट पीरे ने, ऐसे याद कर लेना उत्तरी, इसकी उत्तरी नहीं भाई जी अभी तक, क्या पी ली थी इसने, पीरे से पी ली थी, उत्तरी नहीं है, ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो, कभी नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने का आपका ये। क्वेश्चन नंबर 36 था हमारा उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पीरे ने, कब की थी? 1909 में। क्वेश्चन नंबर 37 दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी किसने की थी? एमुंडसेन ने की थी 1911 में। क्वेश्चन नंबर 38 थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक है और थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? बहत। क्वेश्चन नंबर 39 ईरान की राजधानी है तेहरान, मुद्रा है आपकी ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? रियाल। क्वेश्चन नंबर 40 गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1911 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41 दक्षिण रोडेशिया प्राचीन नाम है किसका है? जिम्बाब्वे का। क्वेश्चन नंबर 42 जाम्बिया का प्राचीन नाम है उत्तरी रोडेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है कहां का है? स्पेन का है। क्वेश्चन नंबर 44 रिहंद परियोजना स्थित है किस नदी पर? रिहंद पर ही है, उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 35 फरक्का परियोजना स्थित है कहां पर है? भागीरथी नदी पर है, कहां पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर है, ट्रिक से कैसे याद करोगे देखिएगा सब स्टूडेंट द्वारा। मैं टूर पर जा रहा था लोकेशन क्या हो रही थी हमारी? वैरी बोले तो कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर। और टूर पर क्या करने जा रहा था बच्चों? मिलने के लिए जा रहा था, मिलने का मतलब
किस राज्य में है? तमिलनाडु। ऐसी ट्रिक से कंप्लीट याद करने हैं कंप्लीट जी के आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण स्थित है, कहां पर है? गुजरात में। दो है यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट नल, नल के बराबर में क्या होते हैं? गुजरते हैं या चलते हैं? गुजरते हैं, गुजरते से आप गुजरात याद रख सकते हो। नल सरोवर कहां है? गुजरात। नल सरोवर के साथ आपको एक याद रखना है गिर, गिरे कहां थे? ये भी रात को ही गिरे थे, रात बोले तो गुजरात। नल सरोवर व गिर अब जो अभ्यारण है आपके ये कहां पर है? गुजरात में है। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 49, पीटीआई तथा यूएनआई समाचार एजेंसियां कहां की है? भारत की है। क्वेश्चन नंबर 50 और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, राइटर्स न्यूज एजेंसी है कहां की है? ब्रिटेन की है। ये आज की हमारी क्लासें यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जल्द ही आपकी मैथ की चैप्टर वाइज, मैथ की रीजनिंग वाली चैप्टर वाइज, ठीक है जी, जीके की मोस्ट इंपोर्टेंट जैसे हमारी टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज है ऑनलाइनर कोच के साथ, ऐसे ही जल्दी ही आपकी एमसीक्यू के साथ प्रोवाइड कराई जाना स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के अभी तक के एग्जाम जितने भी हुए हैं उनमें आए हुए मैथ के चैप्टर ट्रिकी अप्रोच और विदाउट एक्स के साथ जल्दी आपको प्रोवाइड कराने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे ही आपके रीजनिंग हो जाएंगे। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।